7. So now c divisible by 7. Divisible by 7. The unit digit of number multiplied by 5 and add the remaining part of number. This is first condition, and second condition is if the new number is divisible by 7, then the original number is divisible by 7. यहां पर दो कंडीशन है कि पहले कंडीशन में कहता है कि जो भी नंबर, कोई भी नंबर होगा, उसका यूनिट डिजिट को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जितना भी उसका प्रोडक्ट आएगा उसको हम लोग रिमेनिंग पार्ट से ऐड करेंगे. वो भी हम अभी बताएंगे कि कैसे ऐड करना है और कैसे मल्टीप्लाई करना है. नेक्स्ट, इफ द न्यू नंबर, तो जो रिमेनिंग पार्ट में उसके प्रोडक्ट को ऐड करने के बाद जो न्यू नंबर बनेगा वो अगर 7 से डिवाइड हो जाता है तो फिर ओरिजिनल नंबर, जो उसका पुराना नंबर था, वो 7 से डिवाइड हो जाएगा. सपोज हियर आवर नंबर इज 174. सो अब हम लोगों को यहाँ पता नहीं है कि ये 184 ये 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट डिजिट इसका 4 है, 4 वंस यूनिट 10 100, तो इसका यूनिट डिजिट 4 है. अब 4 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ 4 इंटू 5 इक्वल टू 20, देन एड इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नंबर, देन So new number is 38 is not divisible by 7, then it is not divisible by 7. It is not divisible by 7. Again, next number. ये नंबर भी डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इसको भी हम लोग देखते हैं. सो अगेन यूनिट डिजिट इज 7, तो 7 5 जा 35. Now add in the remaining part of the number equal to 49. So new number is 49 is divisible by 7. 7 7 जा 49. 7 7 जा 49. Then it is divisible by seven. Now see 147. 7 2 ja
सेवन, सेवन वन जा सेवन, इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय सेवन। नाउ 184, सेवन टू जा 14, सेवन सिक्स जा 42, टू इज रिमेनिंग, सो इट इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय सेवन। तो इस तरह से हम लोग 6 और 7 के डिविजिबिलिटी रूल को समझ भी सकते हैं और किसी भी नंबर को, ये तो 3 डिजिट नंबर था, अगर हम लोग 4 डिजिट नंबर की बात करें टू एट नाइन वन, सो हियर यूनिट डिजिट इज 1, 15 जा 5, 294, फिर मुझे पता नहीं है कि ये 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, फिर हम लोग यूनिट डिजिट इसका 4 है, 4 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20, देन ऐड द रिमेनिंग पार्ट 49, सो 49 इज डिविजिबल बाय 7। तो इस तरह से जब तक हम लोगों को पता नहीं रहेगा तब तक हम लोग ऐड करते जाएंगे तो मुझे पता लग जाएगा कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इस तरह से हमारा डिविजिबिलिटी रूल क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं प्राइम नंबर में कि कैसे हम लोग 1 to 100 का प्राइम नंबर फाइंड कर सकते हैं।